हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुति विनती बारंबार, पवन सुति विनती बारंबार। श्री हनुमान जी की जय। आज हम आप लोग को मंगलवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ये कथा संपूर्ण सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। एक बार नैमी सरनाय तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बतलाए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्व दुखों आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है, फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहते तो फिर वही श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे, तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु नंद नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेक कथाएं सुनाई है, आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है, पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है, पुत्र के बिना मनुष्य पितृऋण से छुटकारा नहीं पा सकता है और न ही उसका पुनर्ग नामक नरक से उद्धार हो सकता है, अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनदा के कोई संतान न थी। सुनदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करने के अंत में भोजन बना कर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गिरी कायों में अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से ही सुनदा अपने आराध्य श्री हनुमान जी को देखकर आश्चर्य से हो गई। इस श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेगी। इस प्रकार
कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनोदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता ही समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन में ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। उसके कुल पुरोहित ने उसका बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म के बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवाद हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। वो अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था, तब सुनोदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देकर इसका विवाह करा दे। यह सुन ब्राह्मण बोले, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की ज्ञाता है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुख की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नर्क की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोले, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं को विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अव्यसी नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अव्यस ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और यज्ञ आदि की, जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसे ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। परम्पराई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। इसका नाम रामेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण किया। ब्राह्मण नंदा को भी रामेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या का ध्यान देकर ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्या दान तो कर दिया था, वह बहुत हित भी किया था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जावेगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वो भी कुछ दिनों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय ही रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल न जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण ने मस्तिष्क पर छता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय किया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति रामेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में ही छिपकर रामेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर लावेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ,
नंदा और सुनंदा ने अपनी जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। रामेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभी के वशीभूत में हो अपनी मति खो चुका था। पापी पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय से काय रूप देने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धय न हो। ब्राह्मण ने दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसने जमाई रामेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा तो रुद्न करती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोली, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहना, शेष जीवन व्यतीत करना, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। कंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई का वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली को उसके पीछे अपने प्राण तक देने की तैयार है, मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खित्र हुआ। रामेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही रामेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग से। तब रत्नावली बोले, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि न हो, सर्प जनों में कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे, जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगल देवता तथा अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। रामेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत करके मंगलवार को करने वर्तराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख यशवर को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक गई। बोलिए हनुमान जी की जय। आरती श्री हनुमान जी की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिबल कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला की, देवी रा रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिया सुन दिलाए,
लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जाति पवन सुति बार न लाई। आरती की जे हनुमान लला की, लंका जारी असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित परे संकारे, आनी सजीवन प्राण उबारे। आरती की जे हनुमान लला की, पैठी पताल तोरी जमकारे। अहि रावण की भुजा उखारे, बाय भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संत जन तारे, आरती की जे हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करती अंजना माई। आरती की जे हनुमान लला की, जो हनुमान जी की आरती गावे, वैसी वैकुंठ परम पद पावे। आरती की जे हनुमान लला की, दुष्टि दलन रघुनाथ कला की। हनुमान जी की जय।